और इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है राजधानी भोपाल से। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बयान, एमपी पहला ऐसा राज्य जहां वर्चुअल कैबिनेट की बैठक हो रही है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए भविष्य में भी इसी तरह की बैठक होती रहेगी। शिवराज कैबिनेट की बैठक में सुनी जाती हर मंत्री की बात। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की कैबिनेट को लेकर गोविंद सिंह राजपूत का खुलासा, उन बैठकों में मंत्री इस स्थिति में होते ही नहीं थे कि अपनी बात रख सकें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी जी जुड़ गए हैं। आशीष जी, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बयान, एमपी पहला ऐसा राज्य जहाँ वर्चुअल कैबिनेट की बैठक हो रही है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, मध्य प्रदेश के राजस्व और परिवहन मंत्री हैं गोविंद सिंह राजपूत। अनादि टीवी से खास चर्चा करते हुए उनका साफ तौर पर कहना है, जब उनसे पूछा गया कि जो मध्य प्रदेश में फिलहाल वर्चुअल कैबिनेट की बैठक हो रही है, क्योंकि गोविंद सिंह राजपूत 15 महीने की कांग्रेस सरकार में भी मंत्री थे और अब बीजेपी सरकार में भी मंत्री हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद गोविंद सिंह राजपूत भी बीजेपी में शामिल हो गए और फिलहाल मंत्री हैं। तो दोनों सरकार में काम करने का अनुभव, तकरीबन 5 महीने का अनुभव बीजेपी सरकार में और इसके पहले 15 महीने कांग्रेस की सरकार में काम करने का अनुभव, तो दोनों कैबिनेट में क्या अंतर है? अनादि टीवी से खास चर्चा करते हुए गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि वर्चुअल कैबिनेट किए जाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है और ये अब आने वाले समय में होती रहेंगी इस तरह की कैबिनेट की बैठक, क्योंकि कोरोना संक्रमण काल में जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक इस तरह की एहतियात बरतना जरूरी है कि सब लोग एक साथ इकट्ठे ना हो ताकि कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा कम हो। यही वजह रही कि वर्चुअल कैबिनेट मध्य प्रदेश में की जा रही है। और जब एक खुलासा यहाँ पर गोविंद सिंह राजपूत करते हुए नजर आया उनका साथ, जब उनसे पूछा कि कांग्रेस सरकार के समय कैबिनेट की बैठक और शिवराज सरकार के समय कैबिनेट की बैठक में क्या अंतर है, उनका साफ तौर पर कहना था कि यहाँ कैबिनेट की बैठक में शिवराज सिंह चौहान हर मंत्री की बात सुनते हैं, चाहे वो विषय से रिलेटेड विभाग से संबंधित मुद्दे होते हैं उसमें मंत्री की बात भी सुनी जाती है और यदि कोई मंत्री दूसरे अन्य विषयों पर सुझाव देना चाहता है तो उनके सुझावों को गंभीरता से सुना जाता है। लेकिन कांग्रेस सरकार की समय कैबिनेट की बैठक में मंत्री उस पोजीशन में नहीं होते थे कि वो अपनी बात रख सके। ये खुलासा खास तौर पर गोविंद सिंह राजपूत ने अनादि टीवी से चर्चा में कहा। उनका साफ तौर पर कहना था कि कांग्रेस सरकार के समय इस स्थिति में मंत्री होते ही नहीं थे कि वे अपनी बात रख सके। जी आशीष जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बयान, एमपी पहला ऐसा राज्य जहां वर्चुअल कैबिनेट की बैठक, और बाकी बीजेपी जो लगातार है वो वर्चुअल कैबिनेट की बैठक कर रही है, चाहे कोरोना काल की भी बात ले ली जाए। कोरोना काल एक तरीके से शिवराज सिंह चौहान जब चिरायू हॉस्पिटल में थे तब भी वहां से उन्होंने लगातार वर्चुअल कैबिनेट की मीटिंग ली।